हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। घायल पशुओं को पशु एम्बुलेंस का इंतजार, क्या इस बजट में मिल पाएगी घायल पशुओं को पशु एम्बुलेंस वाहन, या पिछले बजट की तरह सिर्फ घोषणा ही कर पाएगी गहलोत सरकार? शिवगंज उपखंड वेरा रामपुरा फोर लाइन हाईवे पर सड़क दुर्घटना में गाय का बछड़ा हुआ गंभीर रूप से घायल। स्थानीय होटल स्टाफ कर्मियों ने ओम श्री गजानंद सेवा समिति अध्यक्ष मंगल कुमार मीणा को सूचना दी। अध्यक्ष मीणा सहित अन्य गौ भक्तों ने घटना स्थल पर पहुंचकर सड़क किनारे कांटों व बबूल की झाड़ियों के बीच पड़े हुए बछड़े को बाहर निकाला। उसके पीछे का एक पैर टूट गया था, विभिन्न जगहों पर चोट आई थी। पशु एम्बुलेंस के अभाव में निजी वाहन से भेजा गौशाला पीएफएस सिरोही। इस दौरान गजेंद्र सिंह सिसोदिया, कैलाश माली, मनोहर मीणा, विक्रम कुमार, अलका देवी आदि मौजूद रहे। अध्यक्ष मीणा ने तीखे तेवरों से सरकार को आड़े हाथ लेते हुए बताया कि पशु एम्बुलेंस की मांग कई वर्षों से हो रही है। राज्य की सरकार में पिछले बजट सत्र के दौरान इसकी घोषणा भी हो चुकी है, पर अभी तक कोई व्यवस्था हो नहीं पा रही। वही नंदी गौशाला भी नहीं खोली गई है। गौ माता की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इधर फोर लाइन हाईवे पर हर रोज हादसों में पशु घायल हो रहे हैं। कहीं पशु सड़कों पर ही अपने प्राण त्याग रहे हैं तो कहीं सड़क किनारे ही पड़े रहते हैं। टोल कंपनी नियमों का हवाला देती है। सड़कों पर पड़े हजारों पशुओं को निजी वाहन से गौशाला पहुंचाकर उपचार करवाया जा रहा है, लेकिन सरकार टोल कंपनी अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में गौ भक्तों में भारी आक्रोश है। सरकार से विनती है कि इस मांग को जल्द से जल्द पूरा कर राज्य के प्रत्येक टोल नाके ब्लॉक स्तरीय पशु एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, ताकि समय पर दुर्घटनाग्रस्त व अन्य बीमारी से पशुओं को उपचार के लिए गौशाला पहुँचाया जा सके। वही हजारों की संख्या में गौशाला बनी हुई है और सिर्फ नाम की है, अपना बिजनेस अपनी कमाई के लिए बनाई गई है। इस वक्त घायल पशुओं के लिए कोई सहारा नहीं है। वही गजेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि रोज गौवंश व कुल्हाड़ी से वार करने वाली घटनाएं बढ़ रही हैं। पशु सड़कों वाले गलियों में घूमने को मजबूर हैं। बीमार तथा दुर्घटनाग्रस्त घायल पशुओं को लेने के लिए कोई राजी नहीं है। ऐसे में दूर दराज घायल पशुओं को गौशाला पहुंचाकर उपचार करना कठिन हो रहा है और गौ भक्तों ने कई वर्षों से गौ सेवा का बीड़ा उठाया हुआ है। सरकारें लाखों रुपए गौशालाओं में अनुदान के रूप में दे रही है, पर वास्तविक स्थिति को धरातल पर देखा जाए तो हालत बहुत ही खराब बने हुए हैं। घायल पशुओं को पशु एम्बुलेंस के अभाव में किराए के वाहन से गौशाला पीपल फॉर एनिमल सिरोही, पांजरा पोल परलाई, शिवगंज लाकर उपचार करवाया जा रहा है। वहीं अधिक घायलों को जोधपुर नागौर गौशाला पहुंचाकर उनके प्राण बचाए जा रहे हैं। जागरूक टीवी के पोसालिया से कल्पना मालिक की रिपोर्ट।